हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सागर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से परचेस करते हो और उस प्रोडक्ट को आप सिर्फ उस प्रोडक्ट में रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आता है और आपको उस प्रोडक्ट का आपको अकाउंट में पैसे चाहिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आपने जो भी ऑर्डर किया है सिर्फ उसके बदले में आपको सिर्फ वो ही प्रोडक्ट आपको दोबारा मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको चाहिए उस का प्रोडक्ट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों, वो प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं कि रिप्लेसमेंट की जगह रिफंड का अपना पैसा बैंक में कैसे लें। दोस्तों, ये मैंने प्रोडक्ट मंगाया था तो ये आज मुझे डिलीवर हो गया है, तो इसका हम पैसा अपने अकाउंट में मंगाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिप्लेसमेंट या रिफंड, जो भी होता है। तो इस प्रोडक्ट में आपको दिख रहा होगा 7 डेज रिप्लेसमेंट, कि आप इसका रिप्लेसमेंट 7 दिन तक ले सकते हो, यानी कि अगर कोई इस वॉच में दिक्कत होती है तो। तो दोस्तों, इसका पैसा हम अपने अकाउंट में लेने वाले हैं। दोस्तों, ये हमने ऑर्डर किया था और ये हमें डिलीवर भी हो गया है। दोस्तों, इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अब कोई भी यहाँ पर आप जो भी आपके पर्च जो आप प्रोडक्ट है उसको रिटर्न करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही, किस रीज़न से रिटर्न करना चाहते हैं और किस रीज़न का पैसा अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो हम इसको डिफेक्टिव में कर देते हैं। उसके बाद में फिर से इसको डिफेक्टिव में कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अपने जो प्रोडक्ट परचेस किया है, तो उसको हम यहाँ पर मेंशन थोड़ा सा कर देते हैं 3-4 वर्ड में। आप कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों, और सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों, अभी भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन शो हो रहा है। दोस्तों, हमें रिप्लेसमेंट की जगह रिफंड का ऑप्शन लाना है। वो कैसे लाना है दोस्तों, आगे भी वीडियो को वॉच करते रहिए। अब दोस्तों, दोबारा से इस पेज पर आपको वापस आ जाना है और ये जितने भी रीजन हैं सबको एक एक बार दोस्तों आपको ट्राई करना है। किसी भी रीजन पर दोस्तों आपको रिफंड का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, दोबारा से हम इसको ट्राई करते हैं और इसमें दोस्तों आइटम इज़ नॉट चार्जिंग का ऑप्शन डालते हैं। दोस्तों, मैं बार बार ट्राई किया। अब दोस्तों, इसमें कमेंट पर कुछ इशू डालते हैं नॉट चार्जिंग का। अब इसको दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे दोस्तों, अब मैंने बहुत बार ट्राई किया और यहाँ पर मैंने कंटिन्यू किया दोस्तों, अब रिप्लेसमेंट की जगह दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हमारा रिफंड का ऑप्शन आ चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम जो एड्रेस है, यहाँ पर किस एड्रेस पे हमें ये रिफंड लेना है और किस में आपको ये रिफंड अमाउंट चाहिए। दोस्तों, ये 5 से 7 दिन में आपका पिकअप हो जाएगा और उसके तुरंत बाद दोस्तों आपका जो रिफंड है वो बैंक अकाउंट में आसानी से आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट को जिसमें रिप्लेसमेंट हो उस प्रोडक्ट को आप रिफंड कैसे ले सकते हैं, अगर आपको वो आइटम पसंद ना आए तो। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और आप पहली बार चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत से ऐसी वीडियो हम बनाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।